आज जो गुलबर्ग का साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो झटका है, ये 30 तारीख को झटका लगेगा दोनों पार्टी वालों को, आज बीजेपी कांग्रेस वालों को। अगर मेरे को मौका दिए मैदान में, मैं कूदने के लिए भी तैयार हूँ, फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। आज कांग्रेस में 5-5, 6-6 लोग एस्पिरेंट है, जबकि बीजेपी का एमएलए होते भी बीजेपी का एमएलए का भी टिकट आगे पीछे है बोल के लोगों में चल रहा है, और कांग्रेस के भी कई लीडर सारे हैं, और बीजेपी के भी कई मुकुंद जो है किसान जो 27 गांव के अंदर, वो लोग पूरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और जो भी हमारे पार्टी से जो लोग नाराज़ होके गए, जो भी कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक हो चुका है, उस तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ। प्रेस क्लब में जो प्रेस मीट किया गया है, यहाँ पे पार्टी के हमारे सीनियर नेता श्यामराव सोरेन साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट अलीम इनामदार साहब, और हमारे शिवलिंग पाटिल हमारे पार्टी के नेता, और हमारे साउथ अध्यक्ष हमारे मलिक नागनली, आज पूरे लोग आज 30 तारीख का जो जलसा होने जा रहा है, कुमार स्वामी साहब एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और CM इब्राहिम साहब और बंडप्पा काशमपुर साहब, गुलबर्गा दक्षिण मत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जलसा, आज इतिहासी में तारीखी का जलसा ये होने वाला है। आज पूरे हमारे नासिर उस्ताद साहब और हमारे पूरे तमाम लीडर आज हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो गुलबर्गे का साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो झटका है, ये 30 तारीख को झटका लगेगा दोनों पार्टी वालों को, आज बीजेपी कांग्रेस वालों को। आज 15,000 से 20,000 लोगों का हम लोगों का गैदरिंग का एक प्लान है, और आने वाले दिनों में यहाँ से गुलबर्गा साउथ से का गुलबर्गा सिटी के अंदर हलचल मचेगा। आने वाले नॉर्थ में भी हम लोग इस बार पूरा फुल फ्लेज में जो है हमारे नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में वहाँ पे हमको पार्टी बहुत आगे लेके जाना है, और लेके जा रहे भी अभी। और गुलबर्ग के तमाम 27 विलेज जो है 27 गांव के पूरे तमाम किसान लोग और पूरे ग्राम पंचायती मेंबर और हमारे जो डिफिटेड कॉर्पोरेटर्स और जो विनर कॉर्पोरेटर्स हमारे अलीम पटेल साहब और हमारे विशाल नवरंग साहब और हमारे साजिद कल्याणी साहब, मेरे माताजी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, ये पूरे लोग उस दिन रहेंगे। पूरे हमारे तमाम गुलबर्गे के लीडर्स और जो भी हमारे पार्टी से जो लोग नाराज़ होके गए, जो भी कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक हो चुका है, उस तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ हमारे नेतृत्व में और हमारे नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में। फिर JDS का झंडा हम लोग लहराएंगे, आप लोग पूरे आना चाहिए, और पूरे पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी मैं आपके सोशल मीडिया के ज़रिए बोलना चाहता हूँ, आप लोग पूरे लोग आके आज मेरे को एक आशीर्वाद करना चाहिए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सर, MIM और कांग्रेस से बहुत सारे जने JDS ज्वाइन हो रहे उस दिन बोलकर, आज MIM के कई कारपेंटर्स ठहरे से डिफिटेड और कई लीडर्स मेरे साउथ में जो समावेश होने जा रहा है उसमें वो लोग आने के ज्वाइन होने के पूरे प्लान कर चुके हैं, और कांग्रेस के भी कई लीडर्स आ रहे हैं, और बीजेपी के भी कई मुकुंद जो है किसान जो 27 गांव के अंदर, वो लोग पूरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज कुछ इतिहास करना है साउथ के अंदर, क्या हो गया है आज पूरे दलित भाई और मेरे मुसलमान भाई पूरे कम्युनिटी के, बैकवर्ड कम्युनिटी के, जो भी फॉरवर्ड कम्युनिटी के पूरे जो लीडर्स है, आज उन्होंने साउथ को लेके बहुत नाराज़गी में चल रहे हैं। आज कांग्रेस में 5-5, 6-6 लोग एस्पिरेंट है, जबकि बीजेपी का MLA होते भी बीजेपी का MLA का भी टिकट आगे पीछे है बोल के लोगों में चल रहा है। हमारे पार्टी मजबूत करना है, आने वाले दिनों में हमारे पार्टी भले किसको भी कैंडिडेट बनाओ, हम लोग पार्टी को जिताने का काम करेंगे बोल के मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए बोल। नाम हो रहा सर, 30 तारीख को आपको बी फॉर्म अभी अनाउंसमेंट नहीं होता, आप जो पूछे गलत क्वेश्चन है, बी फॉर्म होगा 8 महीने के बाद, वहाँ का उम्मीदवार ये इसके नेतृत्व में पक्षा आप लोग पार्टी बंद हो बोल के कुमार राणा बोल सकते हैं, मगर बी फॉर्म अभी नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद नहीं रखा हूँ, मेरा पार्टी हाईकमांड जो फैसला लेगा उसके ऊपर मैं तैयार हूँ। अगर मेरे को मौका दिए मैदान में, मैं कूदने के लिए भी तैयार हूँ, फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। आज जो है यहाँ पर प्रेस क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसकी वजह है कि भाई 30 तारीख को कुमार राणा साहब जो है गुलबर्गा आ रहे हैं, CM इब्राहिम साहब आ रहे हैं, बंडप्पा खासिमपुर साहब आ रहे हैं, और हमारे लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के नेतृत्व में जो है सब लोग, और हमारे कृष्ण रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा समावेश होने जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका असर पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हैदराबाद कर्नाटक में बहुत अच्छा आएगा, और हमें उम्मीद है कि भाई आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग सब बीजेपी और कांग्रेस को मौका दे के देखें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
हमारे जनता दल सेकुलर को जो है ये लोग आवाम जो है मौका दे के जिताएंगे और कुमाराणा को फिर एक बार सीएम बनाएंगे। बल्कि आप इस मौके इस मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ और मैं तमाम लोगों से नौजवानों से अपील करता हूँ भाई, हमारे यूथ डिस्ट्रिक्ट कमेटी के और यूथ कमेटी के तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि भाई आप जो है 30 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे तक आके जो है ये फंक्शन को सक्सेस करिए। बोल के आप मीडिया के थ्रू अपील करता हूँ।